तो ये है आज का सफर टेंगा टू तवांग, जस्ट 194 किलोमीटर्स, बट वक्त लगेगा तकरीबन 6 घंटे। और 6 घंटे इसलिए लगेंगे क्योंकि आगे जाके सड़कें कुछ ऐसी हैं। यहाँ पे पंडित नेहरू के अस्थियों के कुछ अंश दफन हैं, और इसके बगल में ही हमारा कमरा था जहाँ पे हम रात रुके थे, और यहीं से हमारा सफर शुरू होता है। क्योंकि आज का सफर सिर्फ 200 किलोमीटर का है और हमारे पास वक्त है, तो हम कुछ और जगहों को एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं चिली पाम मोनेस्ट्री से। मेरे को सबसे पहले तो ये नाम ही अजीब सा लगा, ये बुद्धिस्ट नाम नहीं है। बट जो सड़क वहाँ जा रही है वो वैसी ही सड़कें होती हैं जो मोनेस्ट्रीज को जाती हैं। तो चलिए चलते हैं, मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। बट पहले, उससे पहले इस सड़क को नेगोशिएट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही संकरी है और इस पर सिर्फ एक गाड़ी जाने का रास्ता है। बट हम मोटरसाइकिल पे हैं, हम मैनेज कर लेंगे। हम राइड करते हुए चिली पाम मोनेस्ट्री की तरफ जा रहे थे जब रास्ते में ये मेमोरियल मिला। ऐसे मेमोरियल इस पूरे रास्ते में मिलते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर आप यहाँ पे कभी आते हैं, ध्यान से चलाइएगा क्योंकि ये रास्ता पतला रास्ता है, डेंजरस है। और इसको देख के तो ऐसा लगता ही है कि यहाँ पे इंसान का मेमोरियल बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। नाम जो सोलिंग पाम है वैसे, हाँ। फिर आदमी लोगों ने फिर प्रोनाउंसिएशन जो थोड़ा गलत हो गया, चिली पाम बोलते हैं अभी तो, चिली पाम से फेमस है। बोर्ड, साइन बोर्ड भी रोड पर भी चिली पाम ही लगा हुआ है। फिर मंदिर का नाम जो संगा चुकोर दार्जिलिंग मोनेस्ट्री। तो अभी हम आ गए हैं संगा चुकोर, जो नाम उन्होंने बताया था, संगा चुकोर दार्जिलिंग मोनेस्ट्री। इसके टॉप पे आ गए हैं, बोल तो मैं नहीं पाऊंगा शायद, बट ये है व्यू चारों तरफ का। और वो सामने दिख रहा है बोमडिला, हम जाएंगे अभी वहां पे। 1988 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, और जैसा मेरे को बता रहे थे कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से धीरे धीरे करके समवेयर इन 2008 2009, इट वाज कंप्लीट इन 2009। मैं मतलब ये जो हमारा बुद्धिस्ट में ये तोर्मा कहते हैं ना, ये पूजा में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जब पूजा पाठ करेगा तो ये हम लोग उसको मतलब ऑफरिंग टाइप का ऑफरिंग। ओके, तो ये स्टैचू जैसे आप बता रहे थे ये भूटान से बन के आता है? नहीं, यहाँ पे बुलाते हैं बनाने वाला। अच्छा, कारीगर यहाँ पे लाते हैं और वो बनाता है। और मटेरियल क्या यूज करते हैं? मटेरियल यहाँ पे ये होते हैं, मिट्टी का बनाता है और पीतल का बनाता है। ये हमारा गुरु जी का ये है फोटो, बड़ा गुरु जी है। अभी हमने बताया ना उसका होली बॉडी ऊपर है, तो ये तो बिल्कुल दलाई लामा जैसा लगता है देखने में। होली बॉडी यहीं पे है? यहीं पे है, कुछ उसको वो नहीं आएगा। तो यहाँ भी कितने लामाज रहते हैं? यहाँ पे करीब 120 होगा शायद, 120 लोग रहते हैं। और वो अपना पूजा पाठ में कोई स्कूल में होता है, कोई फिर यहाँ पे कॉलेज है। चल सकते हैं, चले।
तो वो येलो वाली बिल्डिंग स्कूल है और ये फ्रंट में जो बिल्डिंग है लाइन से ये कॉलेज है, ये रेसिडेंस और पूजा पाठ। यहाँ पे मंक्स ध्यान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो 20 साल लगता है एक जब एक बच्चा मॉन्क बनने के लिए ज्वाइन करता है तो उसका 20 साल का तैयारी होता है मॉन्क बनने का। और यहाँ पे कितना लोग आता है एज ए टूरिस्ट, लामा लोग तो रहते हैं? हमेशा आता है यहाँ पे। कितना आता है? क्योंकि अभी तो कोई दिख नहीं रहा। अभी तो नहीं आया है, फिर संडे सैटरडे में वो आते लगातार आएगा। कितने लोग आ जाएंगे? 50, कभी कभी 100, फिर 250, 20, 10 ऐसा आ गया। अच्छा, आते रहते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। कितने साल से हैं आप यहाँ? 87 सिंस 87 यू आर हियर। चिली पाम जाते वक्त मौसम बिल्कुल साफ था, सूरज निकला हुआ था और वापसी में मौसम पैकअप हो गया है। यही है पहाड़ों के रंग। और अभी हम जा रहे हैं बॉमडिला के वॉर मेमोरियल पे। 1962 वॉर में यहाँ पे एक बहुत ही बहादुरी से लड़ी हुई लड़ाई हुई थी। यहाँ पे हमारी शहीदों की चिताएं हैं, इनको मैं नमन करने जा रहा हूँ। ध्यान देने वाली बात है कि ये अप्रैल का महीना है, गर्मियाँ चल रही हैं नीचे और यहाँ हालत यह है। और ये लड़ाई हुई थी नवंबर के महीने में जब यहाँ सर्दी थी। तो अभी हम खड़े हैं बॉमडिला के वॉर मेमोरियल पे। जगह तो छोटी सी है और सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, बट इसका इतिहास बहुत ही ज़रूरी है और मेरे ख्याल से देश के लोगों को इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया यहाँ पे खुद को देखने वाली बात। इसके बाद की कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो ये कहानी है, सर्दी बहुत है, ये कहानी है 1962 वॉर की। फर्स्ट सिकलाई जो इंडियन आर्मी की पलटन थी, सूबेदार प्रीतम सिंह की कंपनी यहाँ पे इंचार्ज थी जहाँ पे चाइनीज का अटैक हुआ था। काफ़ी तगड़ी लड़ाई हुई थी, काफ़ी बहादुरी से लड़े थे ये लोग। और हालांकि प्रीतम सिंह इंजर्ड हो गए थे और उसके बाद भी उन्होंने वापस जाने से इनकार कर दिया और यहीं पे उन्होंने अपनी शहीदी दी थी, यहीं पे वो शहीद हुए थे। ये है वो मेमोरियल जो उनके नाम पे बना हुआ है। वो और ये है फर्स्ट इखलाई के उन बहादुर जवानों के नाम जिन्होंने यहाँ पे देश के नाम पे कुर्बानी दी थी। पहाड़ों की जो लड़ाई है वो पासेज की लड़ाई है। 1962 का वॉर जो था वो पासेज का वॉर था। लड़ाई का आउटकम जो कुछ भी रहा हो, हर एक पास पे हमारे शहीदों की चिताएं हैं, हमारे शहीदों के बहादुरी की कहानियां हैं। बट क्योंकि लड़ाई का आउटकम सही नहीं था तो ये कहानियां देश को सुनाई नहीं गई हैं। मुझे बहुत दुख होता है ये सोच के, ये समझ के शहीद की शहीदी को आपने लड़ाई के आउटकम से जोड़ दिया और अपने देश को उसकी कहानी भी नहीं बताई गई। मैं यही कहानियां ढूंढने के लिए निकला हूं और ये कहानी तो मैं सुना के रहूंगा। तो अब हम निकल चुके हैं बॉमडिला वॉर मेमोरियल से। अभी हमने तवांग जाना है, सेला पास जो 14,000 से थोड़े कम की ऊंचाई पर है उसको हमने क्रॉस करना है। हम लेट हो चुके हैं तो हमारा सफ़र तो जारी रहेगा, हम देखते हैं कैसा होता है आज। इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग। बट इस वीडियो को मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूं और जहां पे मैं आज रुकूंगा वहीं से मैं कल इस अगले वीडियो की शुरुआत करूंगा। हम अपनी जर्नी पे चलते हैं बट आपसे विदा लेते हैं। सो देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंजिंग राइड। सो देन दिस इज ब्रिगेडियर अनिल गौतम अलोंग विथ करण गौतम
विशिंग यू गॉड स्पीड एंड अबव एवरीथिंग एल्स, जय हिंद।